युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने महा की कृष्ण पक्ष की पष्ट तिलाई काशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपया कर आप महा की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या हैं और कौन से हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस महा की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में इनको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे, गंधर्व ज्ञान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हावभाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझ इंद्र इन्हें श्राप देने लगे कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसी कौन से पाप किए जिससे हम इतने दुखी हुए, यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माहे के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीतल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपट कर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में नींद भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो अब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जय एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों की वंदना करने के योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने पर समस्त कुयोनि से छूट जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। एकादशी माता।
कीजिए।